इधर लाओ, इधर लाओ, इधर की तरफ बैठ। अच्छा विशाल, गाड़ी का गाड़ी लाओ, गाड़ी है खड़ी। दूसरे वाले को उठाओ, गए हैं। ये हरियाणा के एक वांटेड मनोज मांगरिया उस गैंग के सदस्य शार्प शूटर्स हैं। इस मनोज मांगरिया पर पूर्व में 2 लाख का इनाम रहा है। साथ ही ये फरीदाबाद के एक चर्चित हत्याकांड मनोज भाती हत्याकांड में भी वांछित हैं और इन पर वहां से इनाम है, जिसके बारे में अभी और जानकारी फरीदाबाद पुलिस से संपर्क कर की जा रही है। साथ ही बीटा 2 तथा नॉलेज पार्क में भी इन्होंने आपराधिक घटनाएं की हैं, जिसके बारे में मैं पूर्व में ही बता दिया जा चुका है। फायरिंग की थी और एक आतंक का माहौल बनाया था। उससे पूर्व में इन्होंने 2 गाड़ी लूट की घटनाएं भी अपनी मानी है। तो इस प्रकार से एक अच्छा गुड वर्क बीटा 2 पुलिस के द्वारा किया गया। आज थाना बीटा 2 अंतर्गत ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर इनकी टीम के द्वारा एक गुडवर्क किया गया, जिसमें 2 बदमाश जिनका नाम कौशेंद्र और भोला है, ये इनामी बदमाश हैं। इन्होंने पूर्व में भी क्षेत्र में और फरीदाबाद में घटनाएं की हैं। ये आज गिरफ्तार हो गए हैं थाना बीटा 2 क्षेत्र से और इन्होंने गिरफ्तारी के समय पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ बीटा 2 की टीम ने भी इन पर फायर किया, जिसमें ये घायल हुए हैं दोनों बदमाश और गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम ग्रेटर नोएडा जोन से था तथा 25,000 का इनाम पलवल थाना सेक्टर 31 से, सॉरी फरीदाबाद सेक्टर 31 से इनके ऊपर इनाम भी था। तो इस प्रकार से 50,000 रुपए का इनाम इन्होंने होना कबूल किया है, 25,000 का फरीदाबाद से और 25,000 का ग्रेटर नोएडा जोन से। और साथ में जो पूर्व की कुछ घटना है उसमें भी इन्होंने अपना शामिल होने की बात कबूली है, मौके पर जो इनसे पूछताछ हुई है, जिसमें अक्टूबर माह में इन्होंने थाना क्षेत्र नॉलेज पार्क और थाना क्षेत्र बीटा 2 में घूम घूम कर फायरिंग की थी और एक आतंक का माहौल बनाया था। उससे पूर्व में इन्होंने 2 गाड़ी लूट की घटनाएं भी